इसीलिए हम 5-5 मिनट का एक इंटरव्यू सेशन रखेंगे, हर वकील से वो अपनी राय रखेगा कि क्यों एनपीआर एनआरसी और ये इलीगल है। पहले हम बुलाना चाहेंगे एडवोकेट मुकेश समर्थ को, जो अपन जो अपना इजहार पेश करे कि हाउ दैट एक्ट इज इलीगल। तो अगर उस एनआरसी से यहां के रहने वाले हिंदू बौद्ध सिख ईसाई और पारसी अपने आप को भारतीय साबित नहीं कर पाए तो उनका क्या होगा? क्योंकि आसाम के एनआरसी में स्पेलिंग में ए और बी का फर्क था तो बाहर कर दिया। 19 लाख में से 14 लाख हिंदू है तो वो सब के सब बाहर हो गए। सभी मेरे सीनियर कलीग्स और जो इस मोर्चे को लगातार चला रहे हैं, इस आंदोलन को लगातार चला रहे हैं, वैसे आप सब लोग, अभी हमको इसकी दावत दी गई कि हम आपको समझाएं कि सीएए क्या है, एनआरसी क्या है और एनपीआर क्या है। अगर सीएए और एनआरसी की बात की जाए तो मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल में समझाता हूं आपको, शायद आप लोगों के समझ में आ भी जाए मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं। 2014 में हमारे पास एक आदमी आया, उसने कहा मुझे चौकीदार की नौकरी दे दो, मैं ईमानदारी से इस आपके घर की हिफाजत करूंगा और कसमें खाई ईमानदारी की, आपने उसको नौकरी पे रख लिया। अब वो आदमी आपसे कहता है कि मैं आपको घर में तभी रहने दूंगा जब आप इस घर का टाइटल प्रूव करोगे, दिखाओगे कागज तो आप इस घर में रह सकते हो, नहीं तो आप यहां से निकलो। तो ये कंडीशन आज की आपकी एनआरसी और सीए, इससे ज्यादा बेहतर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता।